चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। महाशिवरात्रि पर आसपुर के हरनेश्वर महादेव मंदिर में प्रसाद में दी खिचड़ी व छाछ का सेवन करने से खली धाणी डुंडा के करीब 150 से अधिक लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। सूचना मिलते ही मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों का इलाज शुरू कर दिया। ज्यादा तबीयत खराब होने पर 25 लोगों को डूंगरपुर अस्पताल रेफर किया गया है। अन्य का घरों पर और मंदिर परिसर में ही इलाज किया जा रहा है। प्रसाद में खिचड़ी व छाछ वितरण का आयोजन खलील व धाणी डुंडा के सर्व समाज की ओर से था। मेडिकल टीम ने खिचड़ी व छाछ के सैंपल लेकर जांच को भेज दिए हैं। प्रसाद तैयार करने के लिए आयोजकों की ओर से आलू को एक दिन पहले रात को ही उबाल कर रख दिया था। इसी आलू से खिचड़ी बनाई थी। संभवतया प्रसाद में फूड पॉइजनिंग का कारण यही आलू बना है। हालांकि खुलासा सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। ग्रामीणों ने बताया कि हरनेश्वर महादेव मंदिर खिरिल और धाणी डुंडा के बीच स्थित है। दोनों गांव से इसकी दूरी 1 किमी है। प्रसाद में खिचड़ी और छाछ का वितरण सुबह 10 बजे से शुरू हो गया था। दोपहर करीब 3 बजे के बाद प्रसाद खाने वाले ग्रामीणों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। इलाज के लिए लोग खिरिल गांव में ही स्थित चिकित्सा विभाग के सब सेंटर पर पहुंचे तो नर्सिंग स्टाफ बबली परमार और विमला डामोर ने पॉइजनिंग की आशंका पर अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद जांच टीमें मौके पर पहुंची और उपचार शुरू किया।